सो गाइस यहाँ पे जो हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक मोनोपोलर होते हैं जो कि सिर्फ एस्टेबलम लेवल पे मूव करते हैं, और एक बाइपोलर होते हैं जो कि एस्टेबलम पे भी मूव करते हैं और नेक पे भी मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टेबलम पे भी मूव करते हैं और नेक पे भी मूव करते हैं। ओके सो गाइस इसके नाम देखते हैं हम। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारे पास है ये बाइपोलर हिप प्रोस्थेसिस। सो गाइस यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, ये होल जो है एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करता है, यूज़ किया जाता है। ये जो होल है एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है होल है। और ये जो है बॉयज इसको बोन सीमेंट जो होता है पॉलीमिथाइल मिथिल एक्रेलेट, उससे जो है यहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं बोन के अंदर। आप देख सकते हैं ये है ऑस्टन मूर प्रोस्थेसिस जो कि मोनोपोलर प्रोसेस है। सो ऑस्टन मूर प्रोसेसिस पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फेनेस्टेशन है, यहाँ से जो है यूजुअली बोन ग्रो करता है और जो है ये इसे फिक्स कर देता है बोन के अंदर। यहाँ पे जो हम बोन सीमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर जो है होल है जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोस्थेसिस जो हमारा ये प्रोस्थेसिस है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए ये जो है ये होल यूज़ किया जाता है। इंडिकेशन क्या है, अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ नेक ऑफ द फ्यूमर, ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रैक्चर नेक ऑफ एल्डरली पेशेंट्स। तो यहाँ पे जो हम इसके ये इंडिकेशंस है। ओके ये है हमारी किशनर्स वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ एंड्स आर शार्प। ये जो किशनर्स वायर है यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ एंड्स जो है ये शार्प है। यूजेस क्या है, तो गाइज ये जो है सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द स्मॉल बोन, जिसका फर्स्ट यूज है। सेकेंड जो है ये है फॉर द ट्रैक्शन, और थर्ड जो है ये जो फिक्सिंग फ्रैक्चर्स इन द चिल्ड्रन, जो पेडियाट्रिक फ्रैक्चर्स में भी इसका यूज़ होता है। और फोर्थ जो है यह इलिजारो फिक्सेशन सिस्टम में भी ये जो है क्रिश्नर्स वायर का यूज़ होता है। और इसका जो यूज़ है प्रोविजनल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर इन पटेला एंड मिडल मैल्यूल कैंसिलस बोन है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा क्रिश्नर्स वायर। ये है स्टिनमैन पिन, यहाँ पे देख सकते हैं एक एंड जो है ये शार्प है और ये दूसरा जो एंड है ये ब्लंट है। तो ये है हमारी स्टिनमैन पिन। सो गाइस ये है हमारी स्टिनमैन पिन, तो इसका जो यूज़ है ये जो है ये स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके जो कॉमन साइड्स है वो है अपर एंड ऑफ टिबिया, सुप्राकॉन्डिलर रीजन ऑफ द फीमर एंड कैल्केनियम। ये जो है इस यहाँ पे जो स्केलेटल ट्रैक्शन है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, स्टिनमैन पिन का। ओके सो गाइस ये जो है ये है डेनहम पिन। सो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हैं हम ये एक एंड शार्प है और एक एंड ब्लंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है थ्रेड्स से बीच में। सो गाइस इसके जो यूजेस है ये भी स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक बोन और कैंसलस बोन में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो ग्रिप्स है ये ग्रिप्स जो है वो स्लाइड द ग्रिप्स वोंट ऑलो टू स्लाइड द पिन, तो ये जो है ग्रिप्स जो है वो स्लाइडिंग से बचाते हैं पिन को और फिक्स रखते हैं एक जगह पर। तो ये हमारा डेनहम पिन। शांट स्क्रू, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एंड जो है यहाँ पे देख सकते हैं ब्लंट है और ये दूसरा जो एंड है यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड से। तो ये हो गया हमारा शांट स्क्रू, इसके यूजेस देखेंगे हम। सो गाइस ये जो है शांट पिन, तो इसके यूजेस जो है ये एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम में जो है इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया हमारे शांट पिन। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारे पास है कुंचर्स क्लोरलिप इंट्रामेडुलरी नेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका जो शेप है ये क्लोरलिप शेप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये क्लोरलिप शेप है ये जो है ये गुड रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है नेल को। सो गाइस इसके जो है थ्री फिक्सेशन पॉइंट्स है, अपर एंड ऑफ द बोन, लोअर एंड ऑफ द बोन और ये जो इस्मत, जो तीन फ्रैक्चर साइड है उसमें जो है फिक्स करता है, अपर एंड ऑफ द बोन, लोअर एंड ऑफ द बोन और बीच में जो है इस्मत। तो ये यहाँ पे थ्री फिक्सेशन पॉइंट्स है इसके। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हैं आईज भी है आई, तो ये जो आई जो है ये हुक एक्सट्रैक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो हुक ऑफ द एक्सट्रैक्टर इज इंट्रोड्यूस हियर। ओके तो ये हो गया आई। सो गाइज के नेल में जो है ये जो आई जो है ये रहती है पोस्टेरो मिडिल साइड में, और ये जो स्लॉट जो है वो रहता है एंटेरो लैटरल साइड में। तो ये जो आई जो है ये रहती है पोस्टेरो मिडिल साइड में, और ये जो स्लॉट है ये जो रहता है वो एंटेरो लैटरल साइड में। सो गाइज इसके कॉम्प्लिकेशन से, तो ये जो है नेल गेट स्टक, स्प्लिंटरिंग ऑफ द कॉर्टेक्स, और कभी कभार क्या होता है ये जो है नेल जो है अगर ये फॉरवर्ड प्रॉक्सिमली मूव करती है तो ये नेल अगर प्रॉक्सिमली मूव करती है तो ये जो है बर्साइटिस कॉज करती है, और अगर डिस्टली मूव करती है तो ये जो है स्टिफनेस ऑफ द नी कॉज करती है, और ये जो है इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो गाइज ये हो गया हमारी और इसकी इंडिकेशन जो है वो है इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द फ्यूमरल फ्रैक्चर्स, जो है फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा कुंचनस क्लोरलिप इंट्रामेडुलरी नेल। सो गाइज यहाँ पे जो है ये हमारे पास है इंटरमेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल।
तो ये जो है ये गुड रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो होल्स है, एक डायनेमिक होल और ये एक स्टैटिक होल। ये जो है डायनेमिक होल जो है वो माइक्रो मोशन प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से क्या होता है ग्रोन बोन ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। और ये जो है ये स्टैटिक होल जो है यहाँ से जो है हम यहाँ पे नेल डालते हैं। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे दो स्टैटिक होल्स होल ये कंप्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, इसका जो इंडिकेशन है वो है फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। तो ये है हमारा इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल। सो गाइस, जो कॉम्प्लिकेशंस थे कुंचनस क्लोरलिप इंट्रामेडुलरी नेल के, तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि ये जो है इंटरलॉक होने की वजह से डिस्प्लेस नहीं होता है, इसलिए उसके जो कॉम्प्लिकेशंस जो है कुंचनस क्लोरलिप इंट्रामेडुलरी नेल के इसमें दिखाई नहीं देते। ये जो हमारे पास है ये है प्रॉक्सिमल टीबियल इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास दो होल्स है, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्टैटिक होल है हमारे पास। तो सो गाइस, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बेंड है इसको जो है वो कहते हैं हम हर्ज़ोग बेंड। तो इसका जो एंगल है वो है 11 डिग्री। तो यहाँ पे भी दो पॉइंट्स है, एक डायनामिक होल है एक और स्टैटिक होल है। जो डायनामिक होल है ये जो होल है गाइस, यहाँ पे जो है माइक्रो मोशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है ग्रोन बोन ग्रोथ जो है वो बढ़ती है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप इंटरलॉकिंग नेल्स के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल टीबियल इंट्रामेडुलरी इंटरलॉकिंग नेल। सो गाइस, इसका जो इंडिकेशन है वो है फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टीबिया। सो गाइस, ये है हमारे पास टाइटेनियम इलास्टिक वायर सिस्टम। ये जो है इसका यूज़ जो है वो पेडियाट्रिक फ्रैक्चर्स ऑफ द लॉन्ग बोन में इसका जो है यूज़ होता है। तो ये हमारा टाइटेनियम इलास्टिक वायर सिस्टम। सो गाइस, ये जो है हमारे पास डायनामिक कंप्रेशन प्लेट विद ओवल होल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्स जो है ओवल है यहाँ पे, जो कि इंटरनल फिक्सेशन ऑफ बोन के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन डीसीपी डायनामिक कंप्रेशन प्लेट है। सो गाइस, इसका जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है गाइस ये है लिमिटेड कॉन्टैक्ट डायनामिक कंप्रेशन प्लेट विद कॉम्बी होल्स। कॉम्बी होल्स लिमिटेड कॉन्टैक्ट डायनामिक कंप्रेशन प्लेट यहाँ पे आप देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो होल्स है यहाँ पे, तो एक होल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरलॉकिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड्स अवेलेबल है और एक में जो है थ्रेड्स नहीं है। तो जो गाइस जो फर्स्ट होल है जो कि जिसमें थ्रेड्स अवेलेबल है वो इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो है वो होल्स जो है वो कॉर्टिकल कंप्रेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो हो गया हमारा कॉम्बी होल डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट। और गाइज, इसको हम लिमिटेड कॉन्टैक्ट डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉचेस है, और ये नॉचेस जो है ये पेरियोस्टियम ब्लड वेसल्स के जो ग्रोथ होते हैं उसको अलग करते हैं, और उसकी वजह से जो है फ्रैक्चर हीलिंग जल्दी होती है। सो गाइज, ये जो है यहाँ पे हमारे पास है बटरस प्लेट। तो बटरस प्लेट जो है ये इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द टीबीएल शाफ्ट और डिस्टल पार्ट ऑफ द रेडियस में भी जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बटरस प्लेट। तो गाइस, ये जो है हमारे पास है रिकंस्ट्रक्शन प्लेट। तो आप देख सकते हैं ये भी है लिमिटेड कॉन्टैक्ट कंप्रेशन प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे नॉचेस है जहाँ से पेरियोस्टल ब्लड वेसल जो है ग्रो करती है। और इसको रिकंस्ट्रक्शन प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी बोन के अकॉर्डिंग हम इसको जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी रिकंस्ट्रक्शन प्लेट। यहाँ पे भी हमारे पास है एनाटॉमिकल लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट। सो गाइस, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम ये लिमिटेड कॉन्टैक्ट कंप्रेशन प्लेट है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये जो है ये डिस्टल फीमर फ्रैक्चर में जो इसका यूज़ करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारे पास है स्क्रूज। तो ये है कैंसिलर स्क्रू और ये है कॉर्टिकल स्क्रू। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पिच डिफरेंस है, ये पिच डिफरेंस ज़्यादा होता है कैंसिलर स्क्रू में, और इसका पिच डिफरेंस जो है ये कम होता है कॉर्टिकल स्क्रू में। तो पिच डिफरेंस क्या होता है, तो ये जो डिफरेंस बिटवीन टू थ्रेड्स जो है उसको हम पिच डिफरेंस बोलते हैं। और कोर डिफरेंस जो है ये थ्रेड्स के बीच में आप देख सकते हैं जो इसका जो डायमीटर है नेल का, उसे जो है हम कोर डिस्टेंस बोलते हैं। कैंसिलर स्क्रू में दो टाइप्स के कैंसिलर स्क्रू आते हैं, ये है पार्शियली थ्रेडेड कैंसिलर स्क्रू और ये जो है फुली थ्रेडेड कैंसिलर स्क्रू। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो पिच डिफरेंस है वो ज़्यादा है इसमें पिच डिफरेंस, और कॉर्टिकल स्क्रू में जो है वो पिच डिफरेंस कम होता है। सो गाइस, ये जो है कैंसिलर स्क्रू कैनुलेटेड भी होते हैं, ये कैनुलेटेड है और ये जो है ये कैनुलेटेड नहीं है, इसके अंदर होल नहीं है, और इसमें जो है ये होल है कैनुलेटेड है, जो कि इंटरलॉकिंग नेल के लिए यूज़ किया जाता है। और गाइस, ये जो है फुली थ्रेडेड कैंसिलर स्क्रू जो है ये मेटाफाइसियल फ्रैक्चर में यूज़ किया जाता है, और ये जो है पार्शियली थ्रेडेड कैंसिलर स्क्रू ये नेक ऑफ द फीमर में यूज़ करते हैं।
सो गाइस यहाँ पे जो है हमारे पास है पैराबोव पेरियोस्टम एलिवेटर, जो कि जो है नर्व वेसल्स ऑफ टेंडन को जो है बोन से अलग करता है। तो ये हो गया हमारा पैराबोव पेरियोस्टम एलिवेटर। सो गाइस ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये है बोन लीवर। तो यहाँ पे जो है ये जो है लीवर आउट करता है बोन को फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वुंड, और ये जो है सॉफ्ट टिश्यू को भी रिट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया हमारे यूजेस ऑफ द बोन लीवर। बोन निबलर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा बोन निबलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे जो है गैप है यहाँ पे इन बिटवीन द यहाँ पे, तो ये जो है बोन निबलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा बोन निबलर। सो गाइज यहाँ पे जो हमारे पास रेंचेज है, ये है क्लोज रेंच और ये ओपन रेंच। तो इसका जो यूज़ है वो है टाइटन्स द नट ओवर द बोल्ट एंड द क्लैम्प्स ऑफ द एक्सटर्नल फिक्सेटर। तो सो गाइज ये है टॉवल क्लिप जो कि यूज़ करते फॉर द एक्सपोजर ऑफ द सर्जिकल पार्ट एंड इट्स होल्ड्स द ड्रेप्स। सो गाइज जब सर्जरी के टाइम में ये जो है टॉवल क्लिप जो है वो जो भी कवरिंग्स है क्लॉथ कवरिंग्स जो है बॉडी के ऊपर की उसको होल्ड करके रखता है ताकि अच्छा एक्सपोजर मिले सर्जन को। तो गाइज ये जो है ये हमारे पास है तलवलकर नेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक इसके दो एंड से एक ये इसमें जो है थ्रेड्स है इसमें थ्रेड्स अवेलेबल नहीं है, ये शार्प है एक एंड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइज इसका जो यूज़ है फोरआर्म फ्रैक्चर में इसका यूज़ करते हैं। और गाइज इसमें जो है ये इंट्रामेडुलरी नेल है और इसमें जो है आप देख सकते ये थ्रेड्स जो है ये थ्रेड्स एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इस थ्रेड्स को। ओके सो ये हो गया हमारा तलवलकर नेल। सो गाइज ये है हमारी डागा नेल। तो ये जो है ये इंडियन मेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैनुलेटेड नहीं है यहाँ पे। ओके तो ये है डागा नेल और इसका जो यूज़ है ये फ्रैक्चर ऑफ द टीबिया में जो है इसका यूज़ किया जाता है बस।